को दीपों का त्योहार कहा जाता है। ठीक, दीपावली जो होता है उसमें जो है हम लोग क्या करते हैं, अपने घर को, दीपावली जब आता है तो अपने घर को अच्छी तरह से साफ सफाई करते हैं। साफ सफाई करने के बाद उसमें दीप, जब दीप जिस दिन आता है, साफ सफाई इसलिए करते हैं, कहा जाता है कि दीपावली के दिन लक्ष्मी जी घर पे आते हैं, लक्ष्मी जी घर पे आते हैं और साफ सफाई को देते हैं और उसको अच्छा घर लगता है, साफ सफाई को देते हैं तो आशीर्वाद देते हैं, तो हमारे घर में लक्ष्मी जी का उत्सर्जन होता है, लक्ष्मी जी आते हैं और उस दिन लक्ष्मी जी का पूजा करना चाहिए। दीपावली के दीपों का त्योहार कहा जाता है। जब श्री राम जी ने 14 वर्ष के बाद वनवास से वापस लौटे थे, 14 वर्ष के बाद वनवास से वापस लौटे थे तो अयोध्या में उस दिन जो दिन दीपावली रहता है, उस रात में महाशिवरात्रि रहता है, उस रात को पूरा जगमगा दिया जाता है अयोध्या। जब 14 वर्ष के बाद श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण और अपने भक्त हनुमान जी के साथ अयोध्या में आए थे, अमावस की रात रहता है, सबसे काली रात रहता है, बहुत ज्यादा काली रात रहता है, अमावस की रात रहता है, तो उस दिन श्री राम जी और सीता जी को लेकर और उनके भक्त हनुमान जी को लेकर आए थे अयोध्या में, तो उसी रात में पूरा अयोध्या को सजा दिया गया था, फूल और दीपों से पूरा अयोध्या को सजा दिया गया था, उसी के कारण दीपावली मनाया जाता है। दीपावली जब आता है तो अपने घर की अच्छी तरह से साफ सफाई करते हैं, अच्छी तरह से उसको पेंट कर लेते हैं, ताकि कहा जाता है कि दीपावली के दिन लक्ष्मी जी आते हैं और सबको आशीर्वाद देते हैं, धन दौलत जो भी मांगते हैं वो देते हैं, अच्छी तरह से मनोकामना को पूरा करते हैं। उसके बाद दीपावली में हमें क्या करना चाहिए, दीपावली में हमें करना ये चाहिए कि हमारे अंदर जो अंधकार है, हमारे अंदर जो बुरी आदत है उसको हटा देना चाहिए और जो अच्छी आदत है उसको अपने अंदर रखना चाहिए। दीपावली में हमें ये करना चाहिए कि हमारे अंदर जो भी बुरी आदत है उसे हटा देना चाहिए, दूर फेंक देना चाहिए, शराब पीना, जुआ खेलना, क्या कहते हैं, कीमत करना, बुराई करना, इसको दूर हटा देना चाहिए और अच्छी अच्छी आदत को अपने अंदर करना चाहिए। और कुछ समाज के कुछ असामाजिक तत्व जो होता है, कुछ बुरे लोग जो समाज के होते हैं, वो क्या करते हैं, इस अच्छे पर्व के दिन पे वो जुआ खेलते हैं, वो शराब पीते हैं और वो ये कहते हैं कि हमको लक्ष्मी जी, मतलब कि लक्ष्मी जी अगर पैसा आएगा तो मेरे घर में लक्ष्मी जी आएगा। ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। अगर दीपावली का मतलब आप समझिएगा तो दीपावली का एक्चुअली मतलब ये होता है कि आप दीपों का त्योहार, दीपों का त्योहार है, अपने घर को, अपने दरवाजे को दीपों से सजाइए, अच्छे से दीपों को सजाइए, बल्कि ये नहीं कि जुआ खेल लीजिए, शराब पी लिए और आप कहें कि हमारा दीपावली बहुत अच्छा मन गया, ऐसा नहीं चाहिए। दीपावली का मतलब है कि दीपों का त्योहार, अच्छा से अपने दीप से पूरा घर को सजाइए, अपने लाइट, अभी तो डिजिटल आ गया, लाइट से अच्छा समझाइए, समझे, दारू पी लेना, शराब पी लेना और जुआ खेलना, उस रात में सबसे बहुत आदमी जुआ भी खेलता है, जुआ नहीं खेलना चाहिए, सब गलत आदत है, ये दीपावली का नहीं, ये दीपावली का उल्लंघन कर रहा है ये जो कर रहे हैं। दीपावली का अगर मनाना है दीप जलाइए, अच्छी अच्छी अपने दोस्तों को इन्वाइट कीजिए, अपने सहेली को इन्वाइट कीजिए और उनको बुलाइए और बुलाने के बाद उनके साथ आप खुशी बांटिए, उसे दीपावली कहा जाता है। ठीक, दीपावली का ये मेन मकसद है, दीपावली ऐसे मनाना चाहिए। तो मेरे तरफ से आप सबको हैप्पी हैप्पी दिवाली हो, जिंदगी में जितने भी बुरी आदतें हो वो सबको आप दूर कीजिए और जितने भी अच्छी आदतें हो वो सबको अपने अंदर लाइए। जिस तरह दिया वब तक जलता रहता है, जब तक उसमें तेल जो डाला रहता है, जब तक वो जलता रहता है, जब तक तेल डाला रहता है, और बहुत एक दिया पूरे घर को रोशनी कर सकता है। इसीलिए आप लोग पढ़ लिख लीजिएगा तो आप अपने जनरेशन को चेंज कर दीजिएगा, आपका जनरेशन पूरा पढ़ा लिखा होगा, आपका जनरेशन शिक्षित होगा और जब ये शिक्षित होगा उसी में से कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, तो आपका पूरा माहौल चेंज हो जाएगा। आप गरीबी में जन्म लिए हैं इसमें आपका गलती नहीं है, मगर आप गरीब रह के ही मर जाते हैं इसमें आपका गलती है। गरीबी में तो जन्म लिए है, आपका फादर, आपके पेरेंट्स जो है किसी कारणवश नहीं कुछ कर पाए, मगर आप जन्म लिए है, आपको क्या करना है, अपने जनरेशन को चेंज करना है, आपको मेहनत करना है। देखिए ये हाथ 24 घंटा उसके लिए भी दिन में होता है, 1 दिन का 24 घंटा उसके लिए भी है जो बहुत मेहनत करके अच्छा पैसा कमाता है, और 24 घंटा उसके लिए भी है जो कुछ नहीं करता है, काम चोर रहता है। तो मेहनत कीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, उसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा, अच्छा आपको फल मिलेगा। और अच्छे से आप नहीं पढ़िएगा, अच्छे से मेहनत नहीं कीजिएगा तो आपका अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, आपका गड़बड़ रिजल्ट आएगा, आप सही से सक्सेस नहीं कर पाइएगा लाइफ में। इसीलिए अच्छे से अनिल चौहान कराओके, कराओके जगत में आपका पसंदीदा चैनल, संगीत सीखने वालों के लिए अनमोल तोहफा। सबको दूर कर लीजिए और अच्छी अच्छी चीजें अपने अंदर लाने की कोशिश कीजिए, मेहनत करने का कोशिश कीजिए, अपने से बड़ों का रिस्पेक्ट करने का, अपने पेरेंट्स को इज्जत
इज्जत देने का, सम्मान देने का कीजिए, ये सब कीजिए, इसका मतलब है दिवाली है। ठीक है, दिवाली में अच्छा जब आप फटाके उड़ाते, ये नहीं करे कि आप फटाका मत फटाका छोड़िए, अगर फटाका जब छोड़े तो उसका गार्जियन के सामने आपका पेरेंट्स के सामने जो है आप कितना ऐसा होता है मतलब कि लड़का सब बदतमीज होता है जो देखेगा कि वो कोई जा रहा है तो उसके सामने फटाका फोड़ देगा, समझे, कोई बैठा हुआ वहां पे फटाका फेंक देगा, कोई साइकिल से जा रहा है उसपे फटाका फेंक देगा, कोई मोटरसाइकिल से जा रहा है उसपे फटाका फेंक देगा। अगर ऐसे आप कीजिएगा ऐसे फटाका फोड़ देगा, फायदा भी हो सकता है उसके गाड़ी में आग लग जाएगा, उसके बॉडी में आग लग जाएगा, उसके कपड़ा में आग लग जाएगा, तो फिर ये क्या हो जाएगा। बहुत सारा सुनते हुएगा कि दिवाली के कलों के क्या कहते हैं, किसी के घर में आग लग गया, किसी के क्या कहते हैं कपड़ा में आग लग गया, कोई जल कर मर गया, तो ये सब आतिशबाजी होता है, आतिशबाजी नहीं करना। दीपावली का अगर दीपावली मनाते तो दीपावली का एक्चुअली मतलब पता होना चाहिए। दीपों का त्यौहार होता है, खुशी का त्यौहार होता है, अपने घर को बहुत अच्छा से साफ सफाई करके उसमें क्या कीजिए, लक्ष्मी जी का पूजा कीजिए, घर बहुत अच्छा साफ सुथरा रहेगा, लक्ष्मी जी आएंगे आपको बहुत आशीर्वाद देंगे, बहुत देंगे और आपको बहुत धन उन सारा चीज देंगे। ये होता है ऐसे दीपावली, समझ गए। तो इस तरह मेरे तरफ से आपको हैप्पी हैप्पी दिवाली, आप सब जिंदगी में हमेशा खुश रहे, हमेशा जो आपके मन में आए वो सारा चीज मिलते रहे, और जो भी आप चाहे वो आपको जिंदगी में मिले।